मैंने तो माय लॉर्ड ईसीपी से शुरू किया एंड आई नहीं उससे पहले कानून कहता है इलेक्शन करा लें माय लॉर्ड आई वाज काउंसिल इन दैट केस माय सेल्फ तो वो डेट शुरू हो रही है देखिए डेट ये तो वो एग्जॉशन पे आ गए ना I was just dealing with the exhaustion. या तो आप कह रहे हैं वो क्या होता है आजकल फुटबॉल चल रही है तो एक्स्ट्रा टाइम में चले गए या एक्स्ट्रा टाइम के बाद और भी टाइम होता है ना वो इंजरी टाइम में चले गए and I was duly corrected in a sense by the bench. The original game of was the 90 minute first game 90 was, पहले के थे. वो आपको करना था एक सर्टेन मुद्दत में वो था असल चीज About but the less time you spend on point three, the better. I'm moving. That's why I'm seeking to like move rapidly to my last point. Mr. Counsel, देखिए वो तो election हो गए थे. वो election intra party उन्होंने कर लिए थे. सवाल ये था कि whether they came up, whether they lawful or not. That point, you said no. One consequence, you said not entitled to election symbol. But सवाल ये था कि election जायज हुए या नहीं हुए. जाय से मरा लीगली हुए विद कंप्लायंट विद 208 ऑन एंड दैट इशू दैट पर्टिकुलर पॉइंट अल्टीमेटली एक्चुअली क्रिस्टलाइज्ड ऑन द 13th ऑफ जनवरी व्हेन इट अटेन्ड फाइनलिटी विद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हिच अपहेल्ड योर ऑर्डर सो इन दैट सेंस स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ आई कैन अंडरस्टैंड योर 14th जनवरी थ्रू टू 7th फरवरी अब कह रहे हैं कि जी वो कर लेते तो हम फिर 240 या 218 या ये वो इन्वोक करते अरे भाई 22-12 को जब आपने किया उस वक्त करते ना बता देते कि जी इलेक्शन सिंबल तो हमने ले लिया हम इरादा हम दे नहीं सकते नो लेट मी रीफ्रेस दैट एक्चुअली आपने लिया आपके पास डिस्क्रेशन थी आपने ले लिया लेकिन आप पार्टी हैं फॉर दिस इलेक्शन वो आपने उस वक्त किया नहीं अब आप जब इशू फाइनली क्रिस्टलाइज हो गया अल्टीमेटली डिटरमिन हो गया आपका ऑर्डर अपहोल्ड हो गया अब फिर आप मुद्दा उन पे डाल रहे हैं ये गैर मुनासिब मगर आपकी देखें ये गैर मुनासिब बात मजीद आपकी गैर मुनासिब बात यह है कि जो ये तो तस्लीम शुदा है ये आपका मौकिफ नहीं है उन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करा सके हमें एक साल का मजीद वक्त दीजिए तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया तो वो ज़रा मुनासिब बात नहीं है क्योंकि ये तो तस्लीम शुदा बात है अगर हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही आपको दरख्वास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं आपने इतना फराकदिली दिखाई आपने कहा साल ले लो पहले तो फिर ये आप जो है ना ये आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं मगर आप कसूरवार थे आपने साल अगर ना देते कुछ कम वर्ष देते तो शायद हो जाती बात Point four is the point four. You said not entitled to election symbol, but सवाल ये था कि election जायज हुए या नहीं हुए, जायज से मतलब legally हुए. With compliant with 208 or never. And that issue, that particular point, ultimately actually crystallized on the 13th of January when it attained finality with the judgment of the Supreme Court, which upheld your order. So in that sense, speaking for myself, I can understand your 14th January through to 7th February. Extra time argument, extra we'll call it. But my question is, वो जिस जो आपको कानून जिसको जो 240 है, उसको तो पहले आपने. My lord, मैं बस तेज अपने अगले submission पे जा रहा हूँ. देखिए, you have to be fair. अब कह रहे हैं कि जी वो कर लेते, तो हम फिर 240 या 218 या ये वो invoke करते. अरे भाई, 22-12 को जब आपने किया, उस वक्त करते ना, बता देते कि जी election symbol तो हमने ले लिया, हम rather हम दे नहीं सकते. नो लेट मी रीफ्रेस दैट एक्चुअली आपने लिया आपके पास डिस्क्रेशन थी आपने ले लिया लेकिन आप पार्टी हैं फॉर दिस इलेक्शन वो आपने उस वक्त किया नहीं अब आप जब इशू फाइनली क्रिस्टलाइज हो गया अल्टीमेटली डिटरमिन हो गया आपका ऑर्डर अपहोल्ड हो गया अब फिर आप मुद्दा उन पे डाल रहे हैं ये गैर मुनासिब मगर आपकी देखें ये गैर मुनासिब बात मजीद आपकी गैर मुनासिब बात यह है कि जो ये तो तस्लीम शुदा है ये आपका मौकिफ नहीं है उन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करा सके हमें एक साल का मजीद वक्त दीजिए
तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया, देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया, तो वो ज़रा मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि ये तो तस्लीम शुदा बात है। अगर हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले, तो उन्होंने ख़ुद ही आपको दरख्वास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं, आपने इतना फराख़दिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो पहले। तो फिर ये आप जो है ना, ये आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं, मगर आप कसूरवार थे। आपने साल अगर ना देते, कुछ कम वर्ष देते तो शायद हो जाती बात। बार बार इस जजमेंट का जिक्र हो रहा है 13 जनवरी का। अगर जो आपने हमें ये CMA दी है 5839 सेकेंड वॉल्यूम, अगर आप देखें ये बड़ा नाम है अली मोहम्मद खान साहब, ठीक, अली खान ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए 24/12/2023 को, डेट नोट करें 13/1/2024 में जजमेंट आ रही है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं 24/12/2023। दिस वाज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स अंडर द इलेक्शन प्रोग्राम। इस तारीख को जो उन्होंने पेपर जमा किए पेज 175 पे डिक्लेरेशन में, अगर आप देखें, आप पढ़ें जरा डिक्लेरेशन में वॉल्यूम टू 5839 इस तरह बेशुमार है, चूंकि अली मोहम्मद खान साहब के मेरे सामने आ गए तो इसलिए मैं, हिज डिक्लेरेशन फॉर्म इज नील 5839। अरोट पेज क्या था, 175 सेकेंड वॉल्यूम जी, ये देखें इसके डिक्लेरेशन, आई बिलोंग टू NA23, आई बिलोंग टू नील, ब्लैंक है, और उन्होंने साथ सर्टिफिकेट कभी नहीं लिखा। उनको सिंबल नहीं मिलेगा या इनको पहले से पता था कि वो डिबार होंगे? एक नहीं है, सारी रात में इसको देखता रहा, इसमें बेशुमार ऐसे है जो ब्लैंक है या जिन्होंने शुरू से इंडिपेंडेंट लिखा है। तो क्या 24 तारीख 24 दिसंबर तक जजमेंट आने से पहले इनको इनाम हुआ? ये मुझे समझ नहीं आती कि वो सिकंदर साहब फोर्थ पे आ जाऊं जी। थैंक यू माय लॉर्ड, माय फोर्थ सबमिशन इज दैट CMA 3554 ऑफ 2024 व्हिच हैज CP number nil attached to it. But this is the other CPLA which hasn't been numbered. This is the number of the CMA, and then it says CMA in CP number nil, which is filed by Kawal Shahzeb. Whatever. Mr. Kawal Shahzeb. That's English. I mean, I thought Urdu was a problem. My lord, bus it's. I beg your pardon, sir. I actually have told them I've been making the Shahzada ko main Sahibzada kar raha hoon aur Sahibzada ko maine Shahzada, I beg your pardon. But my lord, coming back to this, give me the volume. 3554. No, give me the volume. They have this excellent languages school here in Islamabad called Namal. Namal. I'm going to enroll, my lord. Namal program could help. I will, my lord. I will. On the lighter side. Yes. My lord, in my defense, I only went to school and read Urdu till class 6 in Pakistan. Then I was not here. I went to school. Thank you.